नमस्कार। आज हम पराग लश्करी जी के फार्म पे आए हुए हैं। अमरावती रोड पे चिंचोली जो गांव है वहाँ पर इनका ये लगभग 150 एकड़ में पूरा फार्म है। इन्होंने यहाँ पर इस साल अभी हल्दी, मिर्ची, कुछ एरिया में कपास और अभी कुछ एरिया में उन्होंने बैगन लगाए हैं। पिछले 2 साल से यहाँ पर ये एक्टिविटी चालू है। हालांकि चारों तरफ फॉरेस्ट है, वीड का बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव है क्योंकि चारों तरफ फॉरेस्ट होने की वजह से और वीड काफ़ी है, लेकिन बावजूद इसके इस साल इन्होंने जो करीब आठ एकड़ में जो मिर्ची ली है, शुरुआत के जो 1.5-2 महीने थे उसमें कुछ दुर्लक्ष की वजह से एकदम ऐसी स्थिति आ गई थी कि शायद ये सब कुछ निकाल के फेंक देना पड़ेगा। और 28 सितंबर को जब पराग जी मेरे पास आए तो इन्होंने बोला था कि भाई मिर्ची तो मैंने निकालने का निर्णय ले लिया है, मैं इस पर ट्रैक्टर घुमा देने वाला हूँ। तो उस समय मैंने इनको कहा था कि भाई जब आपने 2-2.5 लाख खर्च कर लिए हैं तो और 5-10 हज़ार खर्च करो, ट्रैक्टर बाद में घुमाओ। और उसके बाद से हमने, हालांकि जैसी होनी चाहिए थी वैसे मिर्ची के पौधे हम वैसे नहीं बना पाए। अभी काफ़ी स्ट्रेस में है ये, पानी की थोड़ी स्केयरसिटी की वजह से थोड़े पौधे स्ट्रेस में आए हैं। अदरवाइज यहाँ से काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन अभी तक लिया है। पराग जी बताएंगे इसके बारे में। डेफिनेटली थैंक यू सो मच सर, आपके गाइडेंस में मिर्ची हम लोग बचा पाए बेसिकली। एंड स्टार्टिंग में हमने जब लगाया तो वो सबके रिकमेंडेशन जो आ रहे थे 10 ग्राम 20 ग्राम ये डालो, दवाई डालो, तो बेसिकली वो एक प्रोलॉन्ग हो रहा था। मतलब एक दवाई डालो तो वो दूसरी दवाई के लिए रास्ता बना रहा था। तो फिर अब जब एकदम ही हालत गंभीर हो गई तो मैं सर के पास गया था, 2 पौधे भी ले गया, मैंने सर ये स्टेटस है अभी। तो सर का जो रिकमेंडेशन था और सिल्पॉट एंड नीम यूज़ करके उसके साथ हमने जो ग्रीन वेट यूज़ किया, उसके बाद विद इन 5-6 डेज हमको जो ड्रास्टिक चेंज देखने पर मिला, मतलब वो ड्रास्टिक चेंज था, मतलब वंडरफुल चेंज था वो। एंड पेड़ की क्वालिटी, फ्रूट की क्वालिटी जो इम्प्रूव हुई, उसके बाद काफ़ी प्रोडक्शन हम ले रहे हैं अभी, क्योंकि वाटर स्कैरसिटी एंड मार्केट रेट्स भी थोड़े कम है तो हमने थोड़ा सा उसको अंडर नरिश किया है। एंड वापस जब वैसी रेट्स बढ़ेंगे तो विल सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स एंड वापस उसको प्रोडक्टिविटी हम विल एनहांस। प्रेजेंटली अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 2 टन निकाल रहे हैं फॉर फाइव डेज अ वीक में हम 2 टन निकाल रहे हैं। एंड रेड चिली भी हो रही है। एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो हम देख रहे हैं मंडी में, जो रिव्यूज़ हमको मिल रहे हैं, उसमें क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। जस्ट बिकॉज यूज ऑफ सिल्पॉट एंड नीम, वी हैव नॉट यूज एनीथिंग एल्स देयर, ओनली सिल्पॉट एंड नीम से हमको रिजल्ट मिर्ची में। बाकी न्यूट्रिएंट के लिए आप जैसे बीच में आपने ट्राइकोडर्मा यूज किया है फंगल इन्फेक्शन के लिए, फिर हमने फर्टिग्रीन न्यूट्रिग्रीन सिक्सर भी यूज किया है, और सोयल एप्लीकेशन में हम लोगों ने शुरू में जो प्रॉम वगैरह था वो एक ही बार यूज हुआ, शायद वो तो एक बार यूज हुआ है। आरजल हमने डेफिनेटली यूज किया है, उससे भी हमको मतलब रूट जोन जो स्ट्रांग होनी थी वो काफी बेनिफिट मिला है। स्टार्टिंग में भी हमने आरजल यूज किया था एंड बीच में भी एक बार थ्रू ड्रिप हमने यूज किया। एक आपने बीच में बताया था कि ग्रीन चिली पाउडर के लिए किसी ने कॉन्टेक्ट किया था, हाँ, तो उसके लिए जरा सा कुछ आप बता रहे थे जो SHU वगैरह जो है उसका। हाँ, वो एक्चुअली हमें एक जन ने कॉन्टैक्ट किया था जो चिली एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे, एंड उसमें उनका एक मिनिमम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है अबाउट द लेंथ। एंड अभी वो बाहर से प्रोक्योर कर रहे हैं, उनको मैंने दिखाई भी थी चिली, तो उन्होंने बोला सर आपकी चिली बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की, आप मेरे को वो रेट पर नहीं दे पाओगे जो रेट पर मैं चाह रहा हूँ। तो बोले सर हम आपकी चिली इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और आप प्राइस नीचे नहीं करोगे। तो मैंने डेफिनेटली चिली कम्प्लीटली वो सब स्टैंडर्ड्स पे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे खरी उतरी है जो उनको एक्सपोर्ट के लिए ज़रूरी है प्रोसेस के लिए, इट्स कम्प्लीटली अकॉर्डिंग टू दैट स्टैंडर्ड्स। धन्यवाद, थैंक यू। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक, शेयर और कॉमेंट करें, बेल आइकॉन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।